भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन तथा मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर बुधवार को तत्काल पाबंदी लगा दी। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि कोटक बैंक के आईटी जोखिम प्रबंधन, सूचना सुरक्षा, संचालन में कमी को लेकर ये कार्रवाई की गई। बयान में कहा गया कि ये कार्रवाई वर्ष 2022 और 2023 के लिए बैंक की आईटी जांच से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं और इन चिंताओं से समय पर तथा सही तरीके से निपटने में बैंक की ओर से लगातार विफलता के आधार पर आवश्यक हो गई थी। आरबीआई ने कहा कि आईटी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, उपयोगकर्ता पहुंच प्रबंधन, विक्रेता जोखिम प्रबंधन, आंकड़ों की सुरक्षा और आंकड़ा लीक रोकथाम रणनीति, व्यापार निरंतरता तथा संकट के बाद पटरी पर लौटने की कवायद आदि क्षेत्रों में गंभीर कमियां और गैर अनुपालन देखे गए। इसमें कहा गया कि लगातार दो वर्षों तक नियामक दिशा निर्देशों के तहत आवश्यकताओं के विपरीत बैंक में आईटी जोखिम और सूचना सुरक्षा संचालन में कमी पाई गई। ऑनलाइन नए ग्राहकों को जोड़ने से रोका कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से अपने ऑनलाइन तथा मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का निर्देश दिया गया। हालांकि बैंक अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड धारकों सहित अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगा। क्या है शेयर का हाल? कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बैंक का शेयर आज 1.64% या 29.80 रुपए की बढ़त के साथ 1843.05 रुपए पर बंद हुआ। इस शेयर का 52 वीक हाई 2063 रुपए है, वहीं 52 वीक लो 1666 रुपए है। बैंक का मार्केट कैप BSE पर आज 366,383.76 करोड़ रुपए पर बंद हुआ।